ये कहानी है मोटापुर जंगल की, जहां पक्षियां ही पक्षियां रहते थे। वहीं पर दो बाज भी रहते थे, सोनू और मोनू। वो दोनों भाई भाई थे और सोनू तो बहुत ही गंदा था और मोनू बहुत ही अच्छा। सोनू हमेशा कुछ चीज लेने के लिए बाकी पक्षियों को मार देता था और मोनू वही काम बहुत ही प्रेम से और सरल तरीके से कर देता था। सोनू एक दिन दाना लेने के लिए जंगल में निकल गया। ए चिड़िया, मुझे अपना दाना दे, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। अरे ये क्या बदतमीजी है, मैं अपना खाना खुद लाई हूँ, तुम अपना जाकर लाओ, मैं क्यों दूँ तुम्हें अपना खाना। सोनू उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उस चिड़िया को मार देता है। वहीं उसी जगह से मोनू उड़कर जा रहा होता है। वह एकदम देखता है कि सोनू ने उस चिड़िया को मार दिया है। वह जल्दी से जाकर सोनू को वहां से हटा देता है और मोनी चिड़िया के बच्चे को बचा लेता है अपने भाई सोनू से। तो कितना बदतमीज है रे सोनू, हाँ तू हर एक पक्षी को मार देता है और तू अब इसके बच्चे को भी खा रहा था। हाँ तो बच्चों से मुझे क्या करना। तो कितना पत्थर दिल है रे, हाँ तुझे इन छोटे बच्चों की मासूमियत नहीं दिख रही। नहीं, मुझे अपना पेट भरने से मतलब है। वो दोनों जंगल की एक गुफा के अंदर रहते थे। मोनू हमेशा सबकी मदद करना चाहता था और सोनू हमेशा मार कर काम चला लेता था। एक दिन सोनू एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, तभी उस पेड़ से आवाज आने लगी, बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रहे हो। वो जो सामने पेड़ दिख रहा है तुम्हें, वो मेरी ही जड़ से आया है और उसे किसी ने तीर मार दिया। अब उसको दर्द हो रहा है, तुम उस तीर को निकाल दो। मैं क्यों करूं तुम्हारा कोई काम, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। निकाल दो बाज बेटा, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, फिर तुम मेरी कभी भी मदद ले लेना। सोनू बाज बिना कुछ बोले वहां से उड़कर चला जाता है और वहीं पीछे से मोनू बाज आ जाता है और वहीं पर आकर बैठ जाता है। पेड़ तब भी रो रहा होता है। मोनू उसकी आवाज सुनता है, फिर उनसे पूछता है, पेड़ दादा क्या हुआ आपको, आप क्यों रो रहे हो। बाज बेटा मेरी मदद करो, वो जो सामने पेड़ है ना, वो मेरी ही जड़ से निकला हुआ है और उसको किसी ने तीर मार दिया, तुम उसे निकाल दो। मोनू बाज जाकर तीर निकाल देता है और पेड़ दादा बहुत खुश हो जाते हैं। मोनू तुम बहुत अच्छे हो, अगर तुम्हें मेरी कोई भी मदद चाहिए तो मुझे आकर बता देना। हाँ पेड़ दादा बिल्कुल। उस जंगल में सबको खाना तोते राज्य से मिलता था, तोता सबको बराबर खाना देता था, इसलिए तोते को सब बहुत मानते थे। लेकिन सोनू हमेशा अपना खाना खाकर दूसरों का खाना चोरी कर लेता था और फिर उसकी शिकायत लेकर बाकी पक्षी तोते के पास जाते थे। सोनू मुझे तुम्हारी बहुत शिकायत मिली है, तुम्हारी सजा यह है कि तुम एक एकांत गुफा में रहोगे और तुम्हें वहां कोई खाना नहीं देगा, और अगर तुमने किसी को चुरा कर उसे चारा बनाया तो तुम्हें और कठिन सजा मिलेगी। सोनू यह सुनकर वही करता है जो तोते राजा कहते हैं। 5-6 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। सोनू को बहुत भूख लगती है, वो चुपचाप बाहर उड़कर शिकार पर चला जाता है ताकि तोते राजा को पता ना चले, और वो एक पक्षी को मार कर उसे अपना खाना बना लेता है। तोते राजा को ये बात फिर सुनने में आती है कि सोनू ने किसी पक्षी को मार कर खा लिया है, तो तोते राजा सोनू को बुलाते हैं। सोनू अब तुम्हारी ये सजा है कि तुम जैसे औरों की जान लेते हो, आज हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। तोते राजा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब से कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें बहुत समय दे दिया हमने और बहुत चेतावनी भी दी, पर तुम नहीं सुधरे,
अब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि एक राजा के पास कितनी शक्ति होती है। तोते राजा ऐलान कर देते हैं कि अब सोनू बाज की बलि ले ली जाए। वहीं से मोनू बाज आता है और सोनू बाज की जगह बैठ जाता है और गलती से सोनू बाज की बलि के बजाय मोनू बाज की बलि चढ़ जाती है और सोनू हैरान हो जाता है कि उसे कुछ क्यों नहीं हुआ। वह अपने बराबर में देखता है कि उसका भाई मर चुका है और बलि भी उसकी ही चढ़ चुकी थी। सोनू बाज बहुत रोता है। सोनू बाज, देख लो तुम्हें कितना अच्छा भाई मिला था। उसने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी गलती बचाने के लिए उसने अपनी बलि दे दी। सोनू बाज बहुत रोता है और कुछ बोल नहीं पाता और सदमे में आ जाता है। फिर वो अपनी गुफा में जाकर वापस रहने लगता है। सोनू भाई को अपने भाई की बहुत याद आती है कि कैसे वो साथ में उड़ते थे और खेलते कूदते थे। इसके बाद सोनू बाज ने एक भी पक्षी की जान नहीं ली बल्कि उनकी मदद करने लगा और बहुत ज्यादा अच्छा बन गया। मोनू बाज की बलि देने के बाद सोनू बाज को समझ आ गया कि एक बेगुनाह की जान जब जाती है तो कितना दुख होता है। वो किसी का परिवार का सदस्य होता है और किसी को जान से प्यारा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इतना बुरा नहीं होना चाहिए कि हमारे बुरे बर्ताव से किसी दूसरे पर बुरा असर पड़े।